हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैको गेमिंग। आज हम लोग एक ब्रांड न्यू गेम प्ले सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जिनशिन इम्पैक्ट, और ये है जिनशिन इम्पैक्ट का एपिसोड नंबर 1 और बाकी के एपिसोड भी आएंगे। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है और बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो यहाँ से हमारे जिनशिन इम्पैक्ट का गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और भाई ये सच में बहुत ज्यादा सुंदर जगह है, मतलब भाई ये देखो भाई क्या ही तो जगह है भाई, बहुत ज्यादा सुंदर जगह। और मेरे ख्याल से ये दोनों गेम के मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, और यहाँ पर मेरे ख्याल से वो जो गेम की हमें ओपनिंग में दिखाए गए थे वही है सीन। मतलब गेम के ओपनिंग में हमें एक सीन दिखाया गया था जहाँ पर एक कोई तो एक इंसान आया था, एक लड़की आई थी जिसने दोनों को मेन कैरेक्टर्स को पकड़ लिया था। मेरे ख्याल से ये वही है, और ओपनिंग को मैंने इंट्रो में नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने इंट्रो को गेम की जो ओपनिंग है उसको इंट्रो में नहीं डाला। बाकी मैं आप लोगों को हाथ के हाथ सबटाइटल्स पढ़ते बताते जाऊंगा, और आप चाहो तो इंग्लिश में सबटाइटल्स आपको देख सकते हैं। वैसे तो बेसिकली जैपनीज में है पूरा गेम, लेकिन सबटाइटल्स आपको नीचे इंग्लिश में मिल जाएंगे तो आप खेल सकते हो। और हाँ, मैं जानता हूँ ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लैग करेगी। देखो भाई, वीडियो लैग नहीं कर रही, तुम्हारा फ़ोन चाहिए, पर मेरा गेम ही ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। क्योंकि अगर तुम्हें पता है तो जिनशिन इम्पैक्ट का साइज बहुत ज़्यादा है, मतलब जिनशिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा गेम है। बाकी यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन आ चुका है हम किस कैरेक्टर से खेलें, हम मेल कैरेक्टर से खेल सकते हैं, फीमेल कैरेक्टर से खेल सकते हैं। काम करते पहले हम दोनों कैरेक्टर्स के फेसेस देखते हैं। तो ये कैरेक्टर का फेस ठीक है, लेकिन ऑब्वियस बात है फीमेल और हम मेल है, तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। तो हम चुनते हैं दूसरे कैरेक्टर को और हम इसका नाम डालते हैं, मेरे ख्याल से इसका नाम विक ठीक रहेगा, तो इसका नाम हम अभी के लिए विक डाल देते हैं। बाकी अगर होगा तो हम बाद में बदल देंगे, वरना नाम से क्या इतना फर्क पड़ता है, रियल लाइफ होने जो नाम से कुछ हो। लेकिन ये जो भी है, ये जो लड़की इन दोनों को रोक रही है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि हम दोनों ने एक साथ अपने बेस्ट मूव से हमला करा था, लेकिन उसके बाद भी इस लड़की ने बहुत इजीली हमारे हम लोग को रोक लिया, और इसने मेरी बहन को भी पकड़ लिया, मतलब मेरी रियल लाइफ बहन को, नहीं कोई ये मैं समझ लेना, ये जो गेम में मेरी बहन है। एक काम करते अभी इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं, हम पूरे हम ताकत से हमने पीछे से हमला करा, और भाई साहब ये अब तो खत्म हो गई होगी, अब ये खत्म हो गई होगी, इतने बड़े दिमाग से कोई नहीं बच सकता है। भाई ये क्या है, अब ये क्या बोला है भाई, ये क्या बोला है भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है बे यार, बे भाई यार, इसलिए मुझे समझ भी नहीं आ रहा फिर ये क्या है, ये बॉक्स से क्या है, ये जो जिस भी इंसान को पकड़ रहे हो उसको पूरा ख़त्म ही कर रहे हैं भाई, है क्या अगर ये बॉक्सेस। वैसे मेरे ख्याल से ये बॉक्सेस ख़त्म नहीं करेंगे ये, या तो इन्हें अपनी कैद में रखते होंगे या फिर कहीं और फेंक देते होंगे, कहीं और टेलीपोर्ट कर देते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ख़त्म कर देते होंगे बॉक्सेस ये। बाकी क्योंकि अगर इन्हें ख़त्म कर देते तो भाई, तो मेन कैरेक्टर से अगर ये खत्म होंगे तो फिर तो गेम ही खत्म हो जाएगा। बाकी अगर ये खत्म हो गए तो कुछ कह नहीं सकता, अगर गेम में आगे चल कर कोई पेस्ट आ गया तो भाई। बाकी जो भी हो, वो जो लड़की थी उसका बाल बहुत मस्त है, मुझे उसके बाल चाहिए यार, उसके बाल बहुत मस्त है यार। तो अभी यहाँ पर हमारी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, हमारा जो रियल गेम है, और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बोल रहा है मुझे नहीं पता कि इस बात को कितने साल हो चुके, मतलब कितने साल वो पहले वो लड़की आई थी जिसने इसकी बहन को चुराए, कब्जे में कर लिया, चुराई की बात को कब्जे में कर लिया, किसी को नहीं पता। और 2 महीने ही हुए जब ये दोनों आपस में मिले, यानी ये लड़की कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों को मिले हुए 2 महीने और भाई ये सीन बहुत ज़्यादा फनी है। तो अभी सीधा चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि हमें अभी ग्रेट गाइड गाइड की तो जरूरत थी हमें, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता और ये हमारी ग्रेट गाइड बनने के लिए तैयार है। तो एक काम करते हैं सीधा चलते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ और देखनी, क्या इस गेम में हमें डैमेज पड़ता है, मतलब डैमेज तो हमें पड़ेगा, लेकिन क्या हमें अगर हम ड्राउन होते हैं तो उससे हमें डैमेज पड़ता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी, तो मैं ये भी हाथ के हाथ ये भी चेक कर लूँगा कि हमारा सी लेवल कितना है, पर उससे पहले ये मेरी प्रोफाइल है जो कि आप देख सकते हो। और अभी ये काम करते हैं सीधा, एक बार कोई एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, जिसका बर्थ डेट हम सेट कर देते हैं अभी नॉर्मली, कुछ भी रैंडम सेट कर देते हैं हम इसकी बर्थ डेट 3 अक्टूबर, हमने अभी इक्लेस की बर्थ डेट सेट कर दिया जो रियल लाइफ के 3 अक्टूबर होते हैं, यानी थर्ड डेट 10 मंथ। तो एक और मैंने अभी नोटिस कराया कि इसके पास सुपर पावर भी है। एक काम करते हैं फटाफट अब सीधा चलते हैं एक बार ओशन के अंदर और देखते क्या हमारा सी लेवल कितना है। हम अभी के लिए उस एक बार उस पत्थर तक जाकर देखते हैं और पता चल जाएगा हमारा सी लेवल कितना है, क्या हमें ड्रोन होने से डैमेज पड़ता है या नहीं। वैसे मुझे लगता नहीं कि हमें ड्रोन होने से डैमेज पड़ेगा, क्योंकि नीचे हमारा जो हेल्थ बार है उसके ऊपर आपको एक ब्लू ऑर्ब दिख रहा होगा, और हम हमें वाटर लेवल हमारा है, वाटर लेवल हमारा काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको साइड में हमारा वाटर लेवल देखने को मिल जाएगा, जो थोड़ी आगे जाती है बहुत तेज़ी से कम होने लग गया। एक काम करते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि कितना वाटर लेवल है आखिर हमारा, और वैसे में भी गेम की स्टार्टिंग है, अगर मर भी जाएंगे तो इतना कुछ होगा नहीं, दोबारा गेम को स्टार्ट कर लेंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो सीधा चलते हैं और हमारा वाटर लेवल कम होना तो स्टार्ट हो चुका है। वैसे मुझे लग रहा था कि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो रहा है, लेकिन मैंने अभी नोटिस करा कि ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कम हो रहा है, हो सकता है जब हम वापस जाते हो जब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होता हो। तो अभी फिलहाल मैं काफ़ी पास आ चुका हूँ रॉक के, और भाई गेम के ग्राफिक्स भाई सच में बहुत कमाल के, ग्राफिक्स के मामले में तो गेम को मैं पूरी रेटिंग दूंगा। और ज़रा तुम पानी को देखो भाई, पानी क्या ही तो सुंदर लग रहा है भाई, मतलब कितना सुंदर लग रहा है पानी देखने में। और बाकी अब हमारा वाटर लेवल पूरी तरह से खत्म होने वाला, तो पर ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ये पत्थर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और भाई अब एकदम एंड मोमेंट पर इस पत्थर पर आ चुके हैं जब हमारा वाटर लेवल पूरी तरह से खत्म था। और बाकी अब हमें एक चेस्ट भी मिल चुकी है जैसा मुझे लगा ही था, क्योंकि गेम की ओपनिंग में हमें एक ट्रेजर चेस्ट मिलती है, स्टार्टर चेस्ट। एक काम करते हैं अब चलते हैं वापस, से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला आखिर। तो यहाँ पर इन्वेंट्री में हमारे काफ़ी सारे स्लॉट्स है भाई, मतलब बहुत सारे स्लॉट्स, और काफ़ी स्लॉट्स खाली भी है, लेकिन और यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से एक ऑप्शन हमारी वो है वेपनरी का है, एक हमारे
जो क्लोथ वगैरह का होता है उसका है, वैसे क्लोथ वगैरह का तो नहीं होगा, वेपनरी होगा, इन्वेंट्री होगा और दो वैसे होंगे जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और ये गेम हमें सजेस्ट करा है हमारे एक भाई, हमारे एक सब्सक्राइबर ने @5216। तो आप चाहो तो आप उसके चैनल पे भी विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं आपका भी कोई गेम खेलूँ, आपका सजेस्ट करो कोई गेम खेलूँ, तो आप मुझे कमेंट में उस गेम का नाम बता सकते हो, मैं उस गेम की भी पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैं उस गेम को भी खेलूंगा, उसको कंप्लीट करूंगा। और साथ ही साथ जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा वो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर हमारा सी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, और अगर ऐसे हो तो मेरे ख्याल से हमारा सी लेवल खत्म हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता हम ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि हम पिछली बार भी सी लेवल के खत्म होने तक कुछ पत्थर तक पहुँच गए थे, मेरे ख्याल से इस बार भी हम पहुँच जाएंगे। बाकी अगर नहीं पहुँचे तो हम मर जाएंगे यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और यहाँ पर हमारा सी लेवल जो है वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है, बस कुछ ही परसेंट बचा, और यहाँ पर हमारा सी लेवल हो चुका है खत्म, यहाँ पर हम मर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमारा पूरा गेम ज़्यादा रिस्टार्ट होगा, नहीं हमारा गेम स्टार्ट नहीं हुआ, हम दोबारा से स्पॉन हो चुके हैं उसी आइलैंड पर जहाँ पर हम पहले थे। मुझे एक बार चेक करने के हमारे मरने के बाद हमारी इन्वेंट्री से सामान जाएगा या नहीं जाएगा। तो अभी मुझे ज़्यादा सामान तो दिख नहीं रहा, पर इन्वेंट्री में सामान है। और यहाँ पर एक और ये है, मतलब मुझे पता नहीं पता क्या है, यहाँ पे क्रैब हमें एक मिला है, मेरे ख्याल से ये हमारे खाने के काम आएगा। और ये कौन सा मॉन्स्टर आ गया भाई, मुझे नहीं पता है मॉन्स्टर क्या है, क्यों है, क्या है, हम इससे क्यों लड़ रहे हैं। बस मैं इससे लड़ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि हम दोबारा मरे, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर हम इस गेम में मरे तो मरने के बाद जब हम दोबारा हो रहे, दोबारा रिस्पॉन हो रहे, तो हमारी हेल्थ रिकवर नहीं हो रही, क्योंकि अब देख सकते हो मेरा हेल्थ बार कम है। और ये भाई अब ये क्या ग्लिच हो गया यार, भाई मुझे सच में नहीं पता क्या ग्लिच है। और बाकी अब हमारे पास एक क्रैब है जो मेरे ख्याल से खाने के काम आएगा आगे चलकर, मतलब ग्लिच में कहता भाई ये देखो ये स्वॉर्ड यानी यहाँ पर हवा में उड़ रही है। और बाकी यहाँ पर वही लड़की है जो हमारे बोल रही हमारी गाइड बनने के लिए तैयार थी। बाकी यहाँ पर हमें एक मैप मिल चुका है, और ये मैप इतना कुछ खास तो मुझे नहीं लगा, बाकी सीधा चलते हैं अब। और एक काम करते हैं, एक बार थोड़ी सी स्पीड भी टेस्ट करके देखते हैं, थोड़े से कंट्रोल्स भी देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक और ऑप्शन खुल चुका है जिसमें मुझे पता नहीं क्या हुआ, बल्कि वो तो कुछ भी नहीं हुआ, या एक्चुअली शायद से कुछ हुआ। यहाँ पर स्वीट फ्लावर नाम का कुछ तो हो सकता है, यहाँ पर हमें कोई फ्लावर हमने कलेक्ट करा हो, कोई फ्लावर हमने लिया हो। और अब यहाँ पर हम सीधा चलते हैं ऊपर, हमें क्लाइंब करके जाना होगा क्योंकि अब यहाँ पर रास्ता हो चुका है एंड। तो एक काम करते हैं, पहले इन्वेंट्री में एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास। बाकी लिजर टेल पता नहीं क्या, मेरे ख्याल से हम कुछ जादू तो ना कुछ काला जादू करेंगे, इस बच्चे हैं। और यहाँ पर अब हमें काम करते हैं, अब हम ऊपर तो आ चुके हैं, एक काम करते हैं थोड़ी सी स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि कैरेक्टर जो है वो स्पीड से बढ़ सकता है आगे। और यहाँ पर एक पेड़ भी है, काम करते हैं सीधे इस पेड़ के ऊपर चलते हैं, और यहाँ से चलते हैं सीधा नीचे की तरफ, मुझे देखने के फॉल डैमेज होगा, तो फॉल डैमेज हमें काफ़ी ऊंचाई पर तक तो नहीं हो रहा। बाकी सामने एक वाटरफॉल, तो और यहाँ पर एक पेड़ है जहाँ पर काफ़ी सारे एप्पल चाहिए, एप्पल चाहिए ना, पता चले बाद में भी चुके हो सकता है इस वर्ल्ड के एप्पल्स, और मेरे ख्याल से कुछ सीमेंटेड कुछ ऐसा ही है। अब सीधा चलते हैं आगे, और भाई मुझे आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों। अब हो सकता है आ गया तो कोई रास्ता ना हो, या फिर ये भी कोई ग्लिच हो गेम का। आज के लिए बस इतना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए। और भाई साहब ये देखो भाई, मतलब एक सेकंड के लिए मैंने देखा था मैं जब करूँ, लेकिन अब देखो भाई ये शहर क्या मस्त है। इस शहर में हम जाएंगे एपिसोड नंबर 2 में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक लेटा टाटा गुड बाय।